तो आप सब कैसे हो? आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। बच्चों एक ही टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बच्चों जो डिस्कस करने वाला जो क्वेश्चन है, जो बार वाले जितने सारे क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और परिमेय संख्या निकालने के लिए प्रीवियस वीडियो में बता रखे है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे है। जो भी स्टूडेंट परिमेय संख्या निकालने का तरीका अगर नहीं पता तो उस वीडियो को जरूर देखें। इसमें क्वेश्चन में लिखे हुए बच्चों, निम्नलिखित को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। जैसे इसमें पहला जो क्वेश्चन लिया है 0.6 बार, इसमें बच्चों हम लोग को जो 9th क्लास में पढ़ना है, या तो एक नंबर पे बार हो सकता है, या तो दो नंबर पे बार हो सकता है, या तो तीन नंबर पे बार हो सकता है। तो इसका कंसेप्ट पहले समझते हैं। अगर एक नंबर पे क्वेश्चन में बार दिया रहेगा बच्चों, तो उसमें जब सॉल्व करेंगे उसमें कितने से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। अगर दो नंबर, कोई भी दो नंबर पर बार हो, उससे सॉल्व करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। और तीन नंबर कोई भी नंबर हो, इसमें तीन पे अगर बार दिया रहेगा तो उसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरा कंसेप्ट इसमें ध्यान रखना है कि जो बार होता है, जो जिस पे बार लग रहा था वो नंबर क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। जैसे अगर नंबर मान लो तो 6 पे बार है, तो ये जो नंबर है कभी भी ख़त्म नहीं होगा, बार बार क्या होगा, नंबर रिपीट करेगा। तो इसको लिख सकते हैं 0.6666, इस तरह का कुछ क्या है, कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है बच्चों, फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर एक नंबर पे बार आएगा तो सॉल्व करते समय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर पे बार आएगा तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन नंबर पे बार आएगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस नंबर पे बार होगा नंबर क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन गिवन है बच्चों, 0.6 पे क्या है, बार है, 0.6 पे बार है, तो पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो लिखेंगे, माना कि जो भी संख्या गिवन है उसको एक सिक्वल में मानेंगे, एक सिक्वल में 0.6 पे बार। अब बार का नंबर मतलब बताए थे बच्चों, वो नंबर क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। तो x को लिख सकते हैं 0.6666, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए इसको डॉटेड से लिखे हैं। और इसमें कितने पे बार है बच्चों, एक नंबर पे बार है, कितने नंबर पे बार है, एक नंबर पे बार है। जब एक नंबर पे बार है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखेगा बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर हो जाएगा बच्चों 10x, और इधर हो जाएगा 0.66। ध्यान रखना कभी भी नंबर ख़त्म नहीं होगा, किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करें। जब भी नंबर ख़त्म नहीं हो तो डॉट से लगा क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 10x, और जितना जीरो रहेगा उतना नंबर क्या होगा, पॉइंट आगे शिफ्ट होगा। जितना पॉइंट यहाँ पर रहेगा बच्चों, जितना यहाँ पर जीरो रहेगा उतना आगे शिफ्ट होगा। अगर इसमें कितना जीरो, एक जीरो, तो एक नंबर का क्या होगा, पॉइंट शिफ्ट होगा। तो जो पॉइंट हो जाएगा, जो नंबर हो जाएगा 6.6666, और इसका नाम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2, इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 1। इसमें ध्यान रखना है, जो भी नंबर दिया रहेगा जितना जीरो रहेगा उतना पॉइंट क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे यहाँ पे पॉइंट था, इसमें कितना जीरो था, एक जीरो था, तो एक नंबर के बाद पॉइंट क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो पॉइंट कहाँ चला गया बच्चों, 6 के बाद चला गया। इस समीकरण को हम क्या मानेंगे, 2, और जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसको क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। हर एक क्वेश्चन बच्चों इसी तरीकों को से सॉल्व करेंगे, इसीलिए कंसेप्ट को ध्यान से समझना कि हर एक क्वेश्चन में इसी स्टेप को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। उसके बाद समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, हमेशा घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखेगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करेंगे, राइट को राइट से माइनस करते हैं। लेफ्ट में क्या बच्चों, 10x है, इसके लेफ्ट में क्या है, x है। तो यहाँ हो जाएगा 10x, और कोई भी नंबर नहीं रहता तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 1x, माइनस का यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो क्या मानेंगे, 1x। और इसके राइट में क्या बच्चों, 6.66, कभी भी ख़त्म नहीं तो डॉटेड से लगाएंगे, और माइनस इस फर्स्ट इक्वेशन में क्या 0.66 है, क्या 0.666, ये भी ख़त्म है तो डॉटेड से लगा के छोड़ देंगे। तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9x, और जब इसको माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों, 6 आएगा। बहुत सारे बच्चों को माइनस करने में प्रॉब्लम होता है, तो बच्चा क्या करे, माइनस को अच्छे समझे, पहले इस नंबर को लिख देंगे 6.666, और जब नंबर ख़त्म है तो डॉट से लगा के क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उसका पॉइंट से पहले क्या बच्चों, 0 है, पॉइंट से पहले क्या है, 0 है, उसका क्या है, 666। माइनस करेंगे तो इधर क्या होगा, 0 0 0, और 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा।
और ध्यान रखना बच्चों, पॉइंट के बाद जीरो को क्या करते नहीं लिखते, तो क्या बच गया, सिक्स बच गया। और यहाँ मल्टीप्लाई तो क्या जगह डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर सिक्स अपॉन नाइन हो जाएगा। और थ्री से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। थ्री से डिवाइड करेंगे तो क्या, अगर दो पे कटेगा, थ्री से डिवाइड करेंगे तो थ्री पे कटेगा, तो एक्स का रिजल्ट आ गया टू अपॉन थ्री। तो एक्स का जो रिजल्ट आ गया बच्चों टू अपॉन थ्री। अब इसी कंसेप्ट के हेल्प से क्या करेंगे, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अगर बच्चों आपको समझ में आए तो वीडियो को पॉज करें और सेकेंड क्वेश्चन को खुद से क्या करें, ट्राई करें। इसके सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन गिवन बच्चों 0.47 पे बार, एक नंबर पे बार है, तो जिसको सॉल्व करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो बार किस पे, 7 पे बार है। ये भी क्वेश्चन का है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिए हुए है बच्चों। जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा इस टाइप को तो पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लिखेंगे माना कि, हिंदी में माना कि एक सिक्वल में जो भी नंबर यहाँ पे दिया रहेगा उसको लिख देंगे, एक सिक्वल में 0.47 पे बार, और बार का नंबर बताया था मतलब जो नंबर क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। लेकिन ध्यान रखना जो फोर पे बार नहीं था, फोर को एक ही बार लिखेंगे, सेवन को क्या लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, क्योंकि उस पर बार लगा हुआ। इस इक्वेशन को क्या माने थे, फर्स्ट माने थे। कितने नंबर पर बार है बच्चों, एक नंबर पर बार है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखा बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, गुना करने पर, तो यहाँ पर जाएगा जो 10x और 0.4777। यहाँ पे 4 को एक बार क्यों लिखे बच्चों, क्योंकि 4 पे बार नहीं है, और 7 पे बार, इसी 7 को क्या किए, बार बार लिखे हैं। डॉट डॉट कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर है तो बच्चों एक पे बार है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x और एक जीरो है, तो इसमें एक नंबर का क्या पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो कहाँ पॉइंट चला जाएगा, तो चार के बाद चला जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 4.7777। और इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, दो। उसका नेक्स्ट स्टेप में बताया था समीकरण दो में से समीकरण एक को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो इस बात को लिखेंगे समीकरण दो में से, समीकरण दो में से समीकरण, शॉर्ट में समीकरण लिखा हो, समीकरण एक को घटाने पर, एक को घटाने पर, तो क्या, लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करेंगे और राइट को राइट से माइनस करेंगे। तो यहाँ लेफ्ट में क्या बच्चों 10x है, तो यहाँ लिखेंगे 10x और माइनस, लेफ्ट में क्या कुछ नहीं, तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, 1x। और इसके राइट में क्या बच्चों 4.7777 माइनस, यहाँ पे लेफ्ट में क्या बच्चों 0.47777। तो 10 में से 1 को अगर माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, 9x, क्या आएगा बच्चों, 9x। और फिर इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे बच्चों, माइनस करके दिखा देते हैं। पहला जो क्या है 4.777 डॉट लगा क्या लगेंगे, पहले इक्वेशन में क्या बच्चों पॉइंट से पहले क्या है, जीरो है, तब पॉइंट से पहले क्या लगा देंगे, जीरो लिख देंगे। फिर पॉइंट का क्या है, फोर है, फिर क्या है, 777। और इसको क्या करना, माइनस करना है, क्या करना बच्चों, माइनस करना है, तो सेवन में से सेवन को माइनस करें तो जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर सेवन में से फोर गया तो क्या आएगा, थ्री, और फोर में से जीरो गया तो फोर आएगा। और ध्यान रखना बच्चों पॉइंट के बाद अगर जीरो आता है तो नहीं लिखते हैं, तो सिर्फ नंबर तक लिखेंगे, तो फोर पॉइंट का जगह थ्री हो जाएगा। ध्यान रखना पॉइंट के बाद कभी भी जब जीरो आता तो नहीं लिखते हैं, सिर्फ नंबर तक लिखेंगे, तो क्या जाए 4.3 हो जाएगा, एक्स इक्वल में हो जाएगा 4.3 अपॉन 9। और यहाँ पॉइंट का कितना नंबर बच्चों, एक नंबर है, तो एक जीरो क्या आएगा, नीचे आएगा। ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद जितने नंबर ऊपर आते हैं उतने क्या होते हैं, जीरो नीचे शिफ्ट होते हैं। तो एक्स का जो रिजल्ट आ गया 43/90, इसका आंसर आ गया बच्चों 43/90। अब हम लोग फर्स्ट का थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अगर बार बार बच्चों रिपीट कर रहे हैं कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, उसमें आपको क्या होगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन गिवन है 0.001, इस पर कितने पे बार है बच्चों, तीन पे बार है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करते समय 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस पर कितने पे बार है, तीन पे बार है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तीन पे बार आता तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले स्टेप में क्या बताया था बच्चों, जो नंबर दिया रहेगा उसको मानेंगे, तो लिखेंगे माना कि एक सिक्वल में जो नंबर गिवन आएगा, तो एक सिक्वल में जाएगा 0.001 पे बार। और सेकेंड स्टेप में बताया था जो नंबर जिस पे बार आएगा वो नंबर क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, तो 001 क्या होगा बच्चों, बार बार रिपीट होगा 001, उसका डॉट लगा, इस इक्वेशन को फर्स्ट मानेंगे। कितने नंबर पे बार है, तीन नंबर पे बार है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, तो लिखेंगे दोनों तरफ
1000 से गुना करने पर, गुना करने पर, तो लेफ्ट में इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई, यहाँ पर जाएगा 1000x इक्वल हो जाएगा 0.001001 डॉटेड, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000x। और ध्यान रखना बच्चों 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो, तो 3 नंबर का क्या पॉइंट शिफ्ट होगा, जहाँ पर पॉइंट है उसके जितना यहाँ पर जीरो रहा, कितना जीरो, 3 जीरो, तो 3 के बाद शिफ्ट होगा, तो 1 2 3, तो 1 के बाद पॉइंट जाएगा, पॉइंट से पहले क्या है बच्चों, जीरो को नहीं लिखते, तो यहाँ पर 1.001 रिपीट क्या होता है बच्चों, 001 का रिपीट हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसी पे क्या है, बार है, इस इक्वेशन को क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, तो लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करेंगे, राइट को राइट से माइनस करेंगे, तो इसके लेफ्ट में क्या बच्चों, 1000 है, तो लिखेंगे 1000x माइनस, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, यहाँ पे 1 मानेंगे, कोई नंबर नहीं तो क्या मानेंगे बच्चों, 1 मानेंगे, और इसके राइट में क्या बच्चों, 1.001, फिर क्या है 001 डॉट ला के फिर समीकरण 1 वाले नंबर को लिखेंगे, समीकरण 1 में जो नंबर है बच्चों माइनस लगाकर 0.001001, फिर उसी तरीके से आगे क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, तो 1000 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, ट्रिपल लाइन है, क्या आएगा, ट्रिपल लाइन x आगा, इसको माइनस करके दिखा देते हैं कि जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो पहला जो नंबर है बच्चों क्या 1.001, फिर 001, इसी तरीके से आगे नंबर बढ़ेगा, माइनस लगा क्या पहले पॉइंट से पहले क्या बच्चों, 0 है, पॉइंट से पहले क्या 0 है उसका, 001001 नंबर क्या सेम है, तो माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 0000000, यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल 1, पॉइंट के बाद 0 को नहीं लिखते, सिंपल क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि पॉइंट्स के बाद वाले नंबर को, जब पॉइंट के बाद 0 रहा था उसको क्या करते हैं, नहीं लिखते, ध्यान रखना है, तो x इक्वल में हो जाएगा 1/999, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले, कोई भी डाउट हो तो इसको कमेंट में जरूर लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 4th को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4th में बच्चों क्वेश्चन गिवन है 1.27 पे बार है, यहाँ ध्यान रखना है कि 2 नंबर पे बार है, तो इसको सॉल्व करते समय कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज करें, खुद से क्या करें, ट्राई करें। फर्स्ट स्टेप में क्या बताते हैं, लेट करने के लिए, तो लिखेंगे माना कि एक सिक्वल में जो नंबर दिया रहेगा उसको लिख देंगे 1.27 पे बार है, उसके बाद बताते हैं जो नंबर पे बार रहेगा वो नंबर क्या होगा बच्चों, बार बार रिपीट होगा, यहाँ 1 पे बार नहीं तो 1 को क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, 27 पे बार है तो 27 नंबर क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, इस इक्वेशन को क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। 2 नंबर पे बार है बच्चों तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, ध्यान क्या रखना चाहिए, दोनों तरफ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 100x इक्वल में हो जाएगा 1.27272 नंबर कभी भी खत्म ना, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 100x और इक्वल में 2 जीरो है तो 2 के बाद क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पॉइंट रहेगा उसके 2 जितना यहाँ पर जीरो रहेगा, 2 जीरो तो 2 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर कहाँ चला जाएगा बच्चों, 7 के बाद चला जाएगा, तो जो नंबर यहाँ तक लिख देंगे तो यहाँ पर जो 1.27.2727 और इस इक्वेशन को क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब ध्यान क्या रखना चाहिए, लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करें, तो लेफ्ट में क्या है 100x है, माइनस यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 मानेंगे, 1x, और इसके राइट में क्या बच्चों 1.27.2727 माइनस यहाँ पे क्या बच्चों 1.27272 तो 100 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आगा 99x आगा, और फिर इसको माइनस करते बच्चों, इसको माइनस कर दिखा देते हैं, पहला नंबर क्या है 1.27.272727 और पॉइंट से पहले क्या बच्चों 1 है, तो पॉइंट से पहले क्या लेंगे 1, फिर 1 का क्या 27 है, क्या बच्चों 272727 मैच कर गया, और यहाँ माइनस करेंगे तो क्या 0000000 यहाँ पर 0, 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 621, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 126 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 126 होगा, कि 2 में से 2 को अगर माइनस करेंगे तो 0, 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, बताया थे पॉइंट के बाद अगर 0 रहा था उसको नहीं लिखते, तो क्या आ गया 126
सिक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 126 अपॉन 99। उसका तीन से क्या करेंगे, जो ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, जो तीन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तीन से चार तीन बारह, और तीन से तीन दूना छः, फिर तीन से डिवाइड करेंगे तो 33, फिर तीन से डिवाइड करेंगे तो 14 42 हो जाएगा, और आ जाएगा 33 हो जाएगा, 11 3 थ्री थ्री से डिवाइड किए, स्टार्टिंग में भी थ्री से डिवाइड किए, फिर से थ्री से डिवाइड, थ्री से डिवाइड करेंगे तो 14 पे कटेगा, थ्री से डिवाइड करेंगे तो 11 पे कटेगा, तो आंसर आ गया 14/11। तो एक्स का जो रिजल्ट आ गया 14/11। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बच्चों फिफ्थ पार्ट में जो क्वेश्चन गिवन है ना 0.3178, यहाँ पे जो नंबर जो बार है 178 पे बार है, तीन नंबर पे बार है, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बच्चों समझ में आ रहा है तो क्या करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें, फिर बाद में क्या करें इस आंसर को मिलाए। यहाँ लिखेंगे माना कि एक सिक्वल में जो नंबर है बच्चों उसको लिखेंगे, माना कि एक सिक्वल में क्या नंबर है 0.3178, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ बार है तो बार को क्या करेंगे लिख देंगे, उसके बाद तीन नंबर पे बार है तो नंबर क्या होगा बच्चों, रिपीट होगा, जिस पे बार है वही नंबर क्या होगा, रिपीट होगा, तीन पे बार तीन को एक ही बार लिखेंगे ध्यान रखें, और 178 पे बार है तो 178 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, ध्यान रखना कि जिस नंबर पे बार नहीं है उस नंबर को एक बार लिखेंगे, और जिस नंबर पे बार हो क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। और इसमें कितने नंबर पे बार है बच्चों, तीन नंबर पे बार है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 1000 एक्स इक्वल में हो जाएगा 0.3178178, और कितने से गुना करना है ध्यान रखना बच्चों, 1000 से गुना करेंगे क्योंकि तीन नंबर पे बाढ़ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 एक्स इक्वल में कितना जीरो, तीन जीरो, तो तीन के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर, कहाँ जाएगा बच्चों, पॉइंट सेवन के बाद जाएगा, तो 317.8178, फिर उसी तरीके से डॉट ला गया, इस इक्वेशन का मानेंगे दो मानेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, समीकरण एक को घटाने पर, एक को घटाने पर, तो लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करेंगे, राइट को राइट से माइनस करते, लेफ्ट में क्या बच्चों 1000 है, तो लिखेंगे 1000 एक्स माइनस, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं तो वन मानेंगे, 1x, और इसके राइट में क्या बच्चों 317.8178 डॉटेड माइनस, यहाँ पर लेफ्ट में क्या बच्चों 0.317817। अब क्या करना है, सिंपली माइनस करना, तो 1000 में से अगर एक को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 999x आएगा, और इसको माइनस करके यहाँ दिखा देते हैं बच्चों क्या आएगा, पहला जो नंबर क्या है 317.8178, उसी तरीके से पॉइंट से पहले क्या बच्चों 3 है, पॉइंट से पहले क्या 0 है, उसके बाद 3 है, फिर 178, आगे उसी तरीके से क्या होगा, नंबर रिपीट होगा, उसके बाद क्या करना, माइनस करना है, तो 8 में से 8 को माइनस करना, 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, फिर 7 में से 0 करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो माइनस करने का जो रिजल्ट आ रहा 317.5 आ रहा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो क्या डिवाइड हो, यहाँ एक से निकालना है तो हो जाएगा 317.5 डिवाइड बाई 999, और पॉइंट का कितना नंबर बच्चों, एक नंबर है तो क्या होगा, 10 नीचे आएगा, उसके बाद पाँच पन से क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो लिख देते 317.5 डिवाइडेड बाई 9990, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा 5 6 30, 5 7 35, 50 25, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 5 1 5, 5 9 45, 5 9 45, 5 8 40 हो जाएगा, तो जो आंसर आ जाएगा बच्चों जब एक से डिवाइड करेंगे, 5 से ऊपर नीचे क्या किए, सिंपली डिवाइड किए, तो x का जो रिजल्ट आएगा डिवाइड करने के बाद 675 डिवाइडेड बाई 1998। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है बार बार रिपीट होता है, इस क्वेश्चन को क्या करें इंपॉर्टेंट मार्क करें, इस क्वेश्चन को क्या करें बच्चों इंपॉर्टेंट मार्क करें, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन क्या होता है बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों जो गिवन है 0.67 पे क्या है बार है, तो पहले स्टेप में क्या बताए थे, माना कि लिखेंगे, माना कि एक सिक्वल में जो नंबर दे रहे उसको लिख देंगे,
0.67 पे बार है, जो नंबर पे बार और नंबर क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। तो हम लिखेंगे x इक्वल में 0.67667। इस इक्वेशन में क्या मानेंगे, एक मानेंगे। कितने नंबर पे बार है बच्चों, दो नंबर पे बार है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, इधर भी क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा। इधर हो जाएगा 100x, इधर हो जाएगा 0.67667, और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, डॉटर लगा हुआ, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 100x, और दो जीरो है तो क्या होगा, दो नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा, एक नंबर दो नंबर, तो हो जाएगा 67.67, फिर 67। इस इक्वेशन का नाम रखेंगे दो, फिर समीकरण दो में समीकरण एक को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखेंगे बच्चों समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, तो लेफ्ट को क्या करेंगे, लेफ्ट से माइनस करेंगे, राइट को राइट से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जाएगा 100x माइनस, यहाँ पे कोई नंबर है तो 1 मानेंगे, 1x, और यहाँ पे क्या 67.67, फिर 67 डॉटेड माइनस 0.67667। तो 100 में से जब एक को माइनस करेंगे तो क्या होगा 99x, और जब इसको माइनस करें पॉइंट का सारे नंबर क्या सेम है, तो 67 में से जीरो को माइनस करें तो क्या होगा 67 आएगा। तो यहाँ से x का रिजल्ट अगर निकालेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 67/99, तो x का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 67/99।